और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरा नाम है राकेश कुमार, मैं अपने और हमारे चैनल आरके वेबमैप का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको संसद में होने वाली जो बहस है उसके बारे में एक वीडियो देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? सो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि जय बच्चन संसद में यहाँ पे सदस्य है, उसके कारण यहाँ पे जो उनका जो नाम है उनके पति के साथ जोड़ा गया था। उनके पति का नाम है अमिताभ बच्चन। तो संसद में जो उपसभापति थे उन्होंने बोला कि आपका जो नाम है उसी नाम से हम बुलाएंगे जो आधार कार्ड के अंदर नाम है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज रुको जरा, सबर करो। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पर उसी बात को खंडित करते हैं, जया बच्चन ने यह बताया कि मुझे अपने नाम से बुलाइए, मुझे अपने पति के नाम से बुलाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी? नहीं। फ्रेंड्स, उन्होंने उपसभापति की इस बात को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की। दूसरे वीडियो में भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सभापति थे उन्होंने जय बच्चन का नाम अमिताभ जय बच्चन नाम से बुलाया था। उनका कोई अस्तित्व नहीं, चूंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं नहीं सर, इसलिए मैंने कहा गजब बेइज्जती है। इसी बात से नाराज होकर यहाँ पे जय बच्चन ने उनको भी खरी खोटी सुना दी और यहाँ पे सभापति को बैठने के लिए कह दिया। जया जी टेक योर सीट, जया जी टेक योर सीट। जय बच्चन इसी बात से नाराज होकर सभापति के सामने भी बोलने लगी, परंतु सभापति ने उनको बैठ जाने के लिए बोला, परंतु सभापति ने उनका पूरा वाक का खंडन कर दो। ऐसे कमेंट पास किए जो वाला ये वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। इस प्रकार के यहाँ पे रवैये के द्वारा जय बच्चन को यहाँ पे पार्लियामेंट भी छोड़ना पड़ सकता है। इतने बड़े पद होने के बाद, अमिताभ बच्चन का पद होने के बाद भी यहाँ पे जय बच्चन अपने पति का यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते, अपने नाम को आगे रखना चाहती थी। क्या कहना इस बारे वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नहीं तो चैनल को